He is the director of National Institute of Internal Medicine, Bangalore. As they had a central government program over there, he may not be able to join us, but he has conveyed his best wishes and best regards. I take the privilege of inviting Dr. Muhammad Ali Muddin Khandi Sahab to please accept these honors on his behalf. Dr. Muhammad Ali Muddin Khandi Sahab. A big round of applause. Alimba? Please. 2 minutes. Would you like? Thank you. Okay, right. Thank you very much. Second award is our inspirational award. Just like we all know, एक लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है जो अपनी जिंदगी सर्व करने पर किसी भी खिदमत में दिया जाता है। यूनानी फ्रैटर्निटी के लिए मैं 93 में कॉलेज ज्वाइन किया था, उस वक्त से गौस साहब का नाम सुनता आ रहा हूँ। सैयद गौस हुसैन साहब ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी यूनानी की तशरीह के लिए, तरवीज के लिए और यूनानी की तशरीह के लिए, और मैं बेहद ममनून मशहूर हूँ। वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। जिस वक्त हम लोग ग्रेजुएशन में सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो बच्चों को लेकर अलग अलग लाइन्स में काम करते थे और कहते थे कि सिस्टम के लिए काम करें, और जब स्टेज पर आने की बात होती तो ही वाज ऑलवेज बिहाइंड द सीन। वो हमेशा कहते थे कि काम आप लोग करते रहना चाहिए। सो ही हैज बीन द ब्रेन बिहाइंड द मोस्ट ऑफ द यूनानी इवेंट्स। ही हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जैसा कल हम लोग ज़हीरुद्दीन अली खान साहब से हमने सुना कि यूनानी के कोर्स को इंग्लिश मीडियम या दूसरे मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाने वाला था, तो ये आप ही की काविश थी कि इदारे सियासत के साथ उन्होंने ज्वाइन होकर सियासत महबूब हुसैन जिगर ट्रस्ट के तहत यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कोर्स को रिवाइव किया। ना सिर्फ रिवाइव किया, जहाँ पर जब 100 सीट 125 सीट फुल नहीं होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द सेक ऑफ 250 सीट्स मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर इट। और जब BMS कंप्लीट कर लेते हैं तो दे आर बिकमिंग द डॉक्टर्स, और दे आर द डॉक्टर्स ऑफ द स्लम्स। वी आर BMS डॉक्टर्स और आयुष डॉक्टर्स आर द डॉक्टर्स ऑफ द स्लम्स। MBBS डॉक्टर्स दे आर द डॉक्टर्स ऑफ द रिच, द अदर डॉक्टर्स आर द फॉर द रिच, बट द डॉक्टर्स ऑफ द आयुष ऑलवेज टर्न्स टू द स्लम। सो वी आई से दैट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हम लोगों को MBBS में तो नहीं मिलता, तो हम लोग बाई चॉइस नहीं यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद मैं सोचता हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। गॉड हैज चूजन अस फॉर द सर्विस एज अ नीडी पीपल। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट जेस्चर है। दिस सर्विसेज आर टेकन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू न्यू लेवल इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा टुमकुर, बीजापुर, कर्नाटक में भी कई कॉलेजेस में बच्चे सर की रहबरी में ज्वाइन किए, एज ए लेक्चरर्स में काम करते रहे हैं। तो यूनानी मेडिकल एसोसिएशन उनकी खिदमात को सलाम करते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करती है। I request our Honorable Commissioner to extend this gesture to him. चूंकि lifetime achievement award है, सारी जिंदगी जिसने हमारे लिए खिदमत में गुजार दी, उसके लिए standing ovation please. I request all of you to give a standing ovation to him. Yes, sir. सर की खिदमत के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, आप सर कबूल करते हुए आपने इज्जत बख्शी, शुक्रिया बहुत। क्यों मैं युवा एसोसिएशन का और तमाम अतिथि शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे नए अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे डायनेमिक कमिश्नर के हाथ से मैं ये अवार्ड लिया हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और जैसे शेखर साहब ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी तकरीबन 40 साल इस ट्रिब्यूनल की तरक्की के लिए जो रहे, ये हो सकता है ये मेरे लिए यादगार तोहफा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अतिथियों का और दूसरे मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। Now I take the privilege of presenting another special award. Among the
कैटेगरी ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम एक्सेलेंस अचीव करना है, बाद बच्चे होते हैं जो अकेडमिक्स में टॉप करते हैं एंट्रेंस को, तो हम लोग हमेशा पूछते हैं द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज एक्सेलेंस। जो बच्चे एंट्रेंस में अकेडमिक्स में टॉप करते हैं, उन्होंने एग्जाम में टॉप किया, दैट इज एक्सेलेंस। बाद डॉक्टर्स अपने लिए एक बेंचमार्क बनाते हैं कि भाई मैं 100 पेशेंट्स रोजाना देखना चाहता हूँ, मैं सर्विस एक्सटेंड करना चाहता हूँ, वो एक हमारे लिए एक्सेलेंस है। इसी तरीके से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर MOH में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ UAE में, एक डॉक्टर ने अपना नाम बनाया, ही इज द ओनली लाइसेंस प्रैक्टिशनर ओवर देयर एंड गिवन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड गिवन अ थॉट टू थिंक ओवर देयर, प्रमोट किया हम सबको कि अगर हम भी मेहनत करें तो इंशाल्लाह तबारक तआला असद भाई की कोशिशों को फॉलो करते हुए एक अपना नाम इंटरनेशनल कैडर में भी बना सकते हैं। इसी संबंध में अल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एट ग्लोबल लेवल, अल हिजाम ऑल्टरनेटिव मेडिकल सेंटर UAE फॉर डॉक्टर सैयद असदुद्दीन अहमद इज बीन कन्फर्ड विद UMA एक्सेलेंस अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एट ग्लोबल लेवल। प्लीज वेलकम दिस अवार्ड, द ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज एंड रिक्वेस्ट आवर डिप कमिश्नर टू डू